नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ तपाईहरुलाई द हिमाल वर्ल्डमा। र दर्शकवृन्द, तपाईहरुले हिजो देख्नुभयो भीषण मात्रामा जुन चाहिँ हिमपात भयो, र त्यही हिमपातको कारणले, हिजोको हिमपातले कारणले गर्दाखेरि यहाँ सन्दकफू यो टुङ्लिङमा झन्डै 300 भन्दा ज्यादा बेसी मात्रामा टुरिस्टहरू फसेर यहाँ रहेर बसेको थियो। र आज एसएसबी माने भन्ज्याङ र दार्जिलिङ एसोसिएसन, सिङ्गल इलिया दार्जिलिङ ल्यान्ड रोभर एसोसिएसनका चालक दाजुभाइहरू मिलेर त्यो टुरिस्टहरूलाई, फँसेका टुरिस्टहरूलाई उद्धार गर्ने कार्य गरिरहेको छ। र हिजोदेखि आजसम्म 150 भन्दा बढी टुरिस्टलाई उनीहरूले उद्धार गरि पनि सकेको छ। र आज अझै तपाईँको 128 29 जना टुरिस्टहरू अझै माथि नै फँसेर बसिरहेको छ, र अहिले पनि त्यो कार्यक्रम जारी नै छ। बेलुका आज बेलुका मात्रामा त्यो टुरिस्टहरूलाई सबैलाई नै उनीहरूले उद्धार गरिसक्ने बाचा दिएका छन्। प्रशान्त सिंह लकान्द्री, हिमाल वर्ल्ड, दार्जिलिङ। अहिले भर्खर एसएसबीका टोली र यहाँ माने भन्छ सिङ्गलिला ल्यान्ड रोभर एसोसिएसनको तर्फबाट यहाँनिर सन्दकफूमा टोटल तपाईँको 350 जना जस्तो, 350 जना जस्तो टुरिस्टहरू फँसेको रहेछ। र हिजो बेलुका 150 जना जस्तोलाई रेस्क्यु गरिसकेछ यहाँबाट एसएसबी र ल्यान्ड रोभर एसोसिएसनको टोलीले। र आज पनि यहाँनिर हामी दार्जिलिङका मिडियाकर्मीहरू पनि यहाँ सन्दकफूमा रेस्क्यु कभरेजको लागि पुगेको छौँ। र म प्रशान्त है, यहाँनिर यिनीहरूसँग नै यहाँ लागेर रेस्क्यु कभरेज गर्नुको लागि सन्दकफूमा आउँदैछ। हामी यहाँनिर कुनै गाडीहरू जानु सक्दैन, कुनै गाडी आउनु पनि सक्दैन। यहाँ टोटल्ली यो स्नोफल यति डरलाग्दो भएको छ, यहाँनिर मान्छे पनि हिँड्नु सकेको छैन। र अझै माथि तपाईँको 128 जना जस्तो टुरिस्टहरू अझै पनि त्यहाँनिर फँसिरहेको छ। र यिनीहरूले कोसिस गर्दैछ कि आज बेलुकासम्म दिनभरिमा यो 128 जनालाई पनि रेस्क्यु गर्ने यिनीहरूले चेष्टा गरिराखेको छ। हेर्नुहोस् दृश्य, गाडी आइराखेको छ। अत्यधिक हिउँ परेको कारण सन्दकफू क्षेत्रमा अड्किएर बस्न बाध्य बनेका 155 जना पर्यटकलाई आज बिहिबार दार्जिलिङ पुलिस, एसएसबी, सिभिल डिफेन्स र सिङ्गलिला ल्यान्ड रोभर ओनर्स एसोसिएसनका सदस्यहरूले उद्धार गरेर माने भन्ज्याङसम्म ल्याउने कार्य गरे। यसबाहेक अझै धेरैजना पर्यटक सन्दकफू क्षेत्रमा नै फँसिएर बस्न परिरहेको पनि जानकारी पाइएको छ। हिजो बुधबार बिहानैदेखि दार्जिलिङ पहाडका विभिन्न स्थानहरूमा व्यापक हिमपात भएको कारण सन्दकफू इलाकामा गतिलैसित हिउँ जमिएको थियो, जसको कारण माने भन्ज्याङदेखि सन्दकफू जाने सडक मार्ग पूर्ण रूपले बन्द भएको थियो, अनि अझै पनि यो मार्ग पूर्ण रूपले खोलिएको छैन। यसैले पुलिसले एसएसबी र सिङ्गलिला ल्यान्ड रोभर ओनर्स एसोसिएसनका सदस्यहरूको सहयोगमा सन्दकफू क्षेत्रमा फँसिएका पर्यटकहरूलाई उद्धार गरेको छ। यति मात्र होइन, हिजो बुधबार साँझपख सन्दकफूबाट 40 जना जति पर्यटकलाई पनि उद्धार गरेर माने भन्ज्याङसम्म ल्याइएको थियो। यसबाहेक आज बिहिबार पनि 113 जनाभन्दा अधिक पर्यटकहरूलाई सन्दकफूबाट माने भन्ज्याङ ल्याइएको छ। दार्जिलिङ पुलिसले अहिलेसम्म मोट 155 जना पर्यटकलाई सन्दकफू साथै तुम्लिङ क्षेत्रबाट उद्धार गरिएको जानकारी गराएको छ। दस बजे से लेके सुबह 10 बजे तक की स्नोफॉल, टोटल हिल्स जो है एकदम अप टू कालीपोखरी नॉर्मल, जो कि नॉर्मल था, ये पूरा सफ़ेद हो गया है, काफ़ी बर्फ़ गिरा, बहुत बहुत आज, लेकिन आज यहाँ आके पता चल रहा है वो बर्फ़ कैसे हटाया जा रहा है, किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं।
ये लोग हम लोग अगर नहीं देखते तो पता नहीं चलता है। तो बार बार हम लोग सबकी तरफ से हम लोग एक बार बोलते हैं कि थैंक यू स्पेशल, आप लोग थैंक यू एसएसबी, थैंक यू एसएसबी, थैंक यू एसएसबी। आए हैं 28 तारीख इधर आए हैं, तो 28 तारीख से ही पूरा बंद है, पूरा बर्फ में छा गया है। तो हम लोग क्या करें, हम लोग तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया 28 तारीख को। उसके बाद सैल लोग आया, बोला आप लोग को तो जाना होगा, और हम लोग भी सोच रहे थे कैसे जाएंगे हम लोग। तो सैल लोग आ गया देवदूत की तरह, तो आ गया हम लोग का लागेज लेके, सब कुछ लेके, लागेज उनका हद में है, हम लोग जा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम होगा, इन लोग बोल रहा है आप लोगों को भी दिक्कत होगा तो आप लोग को भी कांध में उठा लेंगे हम लोग, ऐसा है ये लोग। तो इन लोग को सैल्यूट है। हम लोग तो 7 आदमी थे, 2 आदमी निकल चुके हैं नीचे के लिए, हम लोग अभी 5 है, और 55 आदमी को कल रात को लेके आया। ये कल मॉर्निंग में हमको मैसेज मिला था कि कुछ टूरिस्ट ऊपर फंसे हुए हैं, तो हमारा जो ये तुंगलिंग फाटक में एक पोस्ट है, उन्होंने पहले वहाँ से रेस्क्यू किया, उसके बाद मेघमा ने उनसे रिसीव करके हमको यहाँ पे हैंड ओवर किया। तो रात को तकरीबन हमने 102 लोगों को नीचे किया, उसके बाद 16 लोग ये इनका स्टे कराया था अभी मेघमा में, तो इनको अब नहीं ये तुम लामीदारा गांव में वहाँ उनको उनको अभी रेस्क्यू करके लाए। साथ में हमारे अभी बीडीओ सर सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव ये बीडीओ पोखरी ये सुखिया पोखरी अभी ये भी पहुँच चुके हैं, साथ में ये जो एसोसिएशन इसका लैंड रोवर एसोसिएशन ये लोग भी आ रखे हैं, अभी रोड को क्लियर कर रहे हैं। और जितने लोग अभी भी जो फंसे हुए हैं अराउंड 120 अभी ऊपर और हैं, तो उनको भी अभी रेस्क्यू किया जा रहा है हमारी टीम। अभी कितने को रेस्क्यू किया आप लोग? अभी 16 को अभी किया है सुबह, 102 कल किया था, और 120 अराउंड अभी और ऊपर हैं, तो उनको भी अभी हमारी टीम जा रखी है। तो आज दिन भर में इन लोगों को रेस्क्यू कर देंगे आप लोग? कल पूरा दिन किया, अभी फिर मॉर्निंग से लगे हुए हैं, तो अभी भी चलता रहेगा। तपाईको जुन चाहिँ यो हिमपात, जस्तै अगाडि वर्ष यो हिमपात यहाँ भएको थिएन, र हिमपात भन्ने कुरो चाहिँ अब टुरिस्टले हामीलाई सोध्छ कुन चाहिँ साल, अब जस्तै अक्टोबरमा हिउँ आउन सक्छ, कुन साल डिसेम्बरमा पर्छ, कुन साल अप्रेलमा पर्छ, यो त हामी अब नेचरल क्यालामिटी यो हामी भन्न सक्दैनौँ। तर यो साल जुन चाहिँ हिमपात भयो, यो एकदमै बृहत् रूपमा हिमपात भएको छ यो क्षेत्रमा, र हिमपातले गर्दाखेरि जुन चाहिँ टुरिस्ट जाँदै थियो सन्दकपुर, त हामीले 5 दिन पहिला नै हामीले बिडिओ साहबको अनुमति, सुकिया पोखरी ओसीको अनुमति लिएर हामीले टुरिस्टलाई सन्दकपुर बन्द गरेको थियौँ। र जति पनि टुरिस्ट थियो अहिले तपाईँको टङ्लु तुम्लिङमै फँसेको छ, र हिजो मात्र बेलुकासम्ममा तपाईँको एसएसबीसँग हामी ल्यान्ड ओभर एसोसिएसनको तर्फबाट 60 टुरिस्टलाई हामीले उद्धार गरेर लगिसकेको छौँ, र आज पनि तपाईँको 165 170 टुरिस्ट चाहिँ टङ्लु सन्दकपुर टङ्लु तुम्लिङ मेघमामा फँसेको छ, र आज हामीले उहाँहरूलाई रेस्क्यू गरेर हामी माने भन्ज्याङसम्म पुर्याउन हामी तयार छौँ। কাল সকাল থেকে যখন ওয়েদার খারাপ হতে শুরু করে তখন থেকেই আমাদের আমার কাছে অ্যালার্ট আসতে শুরু করে, আমাদের অনারেবল ডিএম স্যার, অনারেবল এসপি স্যার কনস্ট্যান্টলি গাইড করতে থাকেন যে ফিল্ড লেভেলে যতজন আমাদের এসএসবির জওয়ানরা আছেন, ল্যান্ড ওভার অ্যাসোসিয়েশনের আমাদের মূলত এখানে চন্দন দাদা দেখেন, এবং আমার পুলিশ টিম সব মিলে আমরা একসঙ্গে আমরা ফোনেই কথা বলে নিই যে আপনারা সবাই অ্যালার্ট থাকুন, সেই মতো আমরা প্রিপারেশন নিতে শুরু করি। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এখানে টংলু টুমলিংয়ে নেটওয়ার্ক প্রবলেম থাকা সত্ত্বেও আমরা যে হোমস্টেগুলো আছে বা হোটেলগুলো আছে তাদের সঙ্গে ফোনে কথা বলি, আমাদের অনারেবল সিএম ম্যাডামেরও ইনস্ট্রাকশন আছে যে কেউ যদি কোনো বিপদে পড়ে তাহলে তার পাশে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াতে হবে, সেই মতো আমরা সব কটা হোমস্টে অ্যাসোসিয়েশনের ওনারদেরকেও বলে দিই, কোনো টুরিস্টের কাছে যদি কোনো পয়সা না থাকে তাহলে সবাইকে ফ্রি অফ কস্ট খানা প্রোভাইড করবে, যদি আরও একদিন থাকতে হয় তাহলে সেই টাকাও আমরা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে ব্লক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে সেই টাকা আমরা বিয়ার করবো, আমরা হোমস্টে ওনারকে পেমেন্ট করবো। কাল রাত্রেও আমি কয়েকটা হোমস্টে ওনারের সঙ্গে কথা বলেছি এবং তারাও খুব সাপোর্টিভ, এবং সবাইকে বলেছিলাম হোমস্টে ওনারদেরকে যে আমাদের যারা টুরিস্ট আছে তাদেরকে বলবেন প্যানিক হওয়ার কোনো দরকার নেই, দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ইনক্লুডিং আমাদের এসএসবি জওয়ান, আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট উপেন্দ্র কৌশিকজির সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল, এবং উনি সর্বদাই হেল্প করেন, ওনার টিম সর্বদাই হেল্প করেন যে কোনো প্রয়োজনে। তো আমরা সব মিলে রেডি ছিলাম, এবং আজকে তো আমরা দেখছি মোটামুটি রাস্তা ক্লিয়ার হয়ে গেছে, যতজন টুরিস্ট এখনও পর্যন্ত আমাদের হিসাব অনুযায়ী 150 মতো টুরিস্ট আছে, তাদেরকে আমরা আশা করছি 2-3 ঘন্টার মধ্যে সবাইকে মানিভঞ্জনে পৌঁছে দেবো, এবং সেফলি তাদের বাড়ি যাওয়ার ব্যবস্থা আমরা করে দেবো।
থ্যাঙ্কস কতজন টুরিস্ট রিসিভ করেছে এখনো পর্যন্ত 80 জন মত টুরিস্ট 80 85 জন মত টুরিস্ট ওরা মানিভঞ্জনে পৌঁছে গেছে মানিভঞ্জন থেকে বাড়ি গেছে কি নিয়ম টুরিস্ট আসতে পারে এখানে আপাতত আমরা সান্দাকফু যাওয়ার জন্য আমরা 10 দিন মত আপাতত বন্ধ রেখেছি যেহেতু এই সিচুয়েশনটা আমাদের ইন্ডিয়ান মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট থেকে বলা হয়েছে যে 2 তারিখ পর্যন্ত এই সিচুয়েশনটা এক্সিস্ট করবে তো সেই মতো আমরা অ্যাডভাইসারি বলেছি যে আপাতত 10 দিনের জন্য সান্দাকফু যাওয়া বন্ধ থাকছে টংলু টুমলিং এর ওয়েদার যেহেতু এটা একটা টুরিস্টেরও সিজন আবার 1 জানুয়ারি আসছে তো টংলু টুমলিং এর ওয়েদার ক্লিয়ার হয়ে গেলে নর্মালি টংলু টুমলিং এর টুরিস্ট আসতে পারবে কোনো অসুবিধা নেই যদি কেউ ট্র্যাক করে আসতে বলে আপাতত এখন কাউকে অ্যালাউ করছি না যেহেতু বরফ 2 তারিখ পর্যন্ত কাউকে অ্যালাউ করছি না বরফ যদি দেখি যে 2 তারিখের পর সব ঠিকঠাক হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা 2 তারিখ থেকেই ছাড়তে শুরু করব একটা দুটো দিন আমরা দেখে নেব আগে Sunshine High School, over 45 years in academic excellence. We prepare children for a better tomorrow. We focus on better environment, culture, literacy, enlightenment, and above all, upbringing of the students. For further details, visit www.schoolsunshine.in.